मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए, इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती, उनको प्रणाम ही किया जा सकता है। लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के 1 सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी, उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में राम खिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूँ। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं, मर के भी अमर हो जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम।